PNN24 News Habar Wahid Josie. इस इलाके से जमना पार पसवार लवाएं इस इलाके से होकर कौशाम्बी से उजीनी से जलालपुर से पूरे इलाके के लोग आ रहे हैं। हम लोग काम बना करके लगातार भेज रहे हैं लोगों को चल के उनके आंदोलन सचिव को। अगर जमुना नदी को बचाना है तो उनके साथ जो नदी के किनारे बैठने की तैयारी भी करना होगा, वो हम इनको सिखाने के लिए लाए हैं कि अगर अपना बालू बचाना है, अपना जंगल बचाना है, अपना पहाड़ बचाना है, अपने पहाड़ों की इज्जत बचाना है, किस तरह से संघर्ष के लिए तैयारी करना होगा। ये झूठे हिंदुत्ववाद, ये झूठे ब्राह्मणवाद के खिलाफ में न पढ़ करके अपनी आजादी के, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ना होगा। आज हम लोग इसलिए सीखने के लिए निकले हुए हैं, आज आप लोगों से सबक सीखने निकलने के लिए तैयारी कर चुके हैं। आज ये बात सामने आ गई है, हम अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला कमेटी इलाहाबाद के महासचिव हैं, जो अपने इलाके में संगठन चला रहे हैं। हम लोगों ने गरीबों को जमीनें बंटवाई है, पट्टे की जमीनें जो 70 साल से चकबंदी से पट्टा बनने के बाद भी नहीं दिया गया, उसको झंडा डंडा लगा करके पुलिस प्रशासन से संघर्ष कराकर असम ने खराब मजबूर करके जमीनें बंटवाई है। असमई गांव में 345 बीघा जमीन जमींदार से छीनी गई है, खीरी में छीनी गई, अभी पीकर में जमीन पाती गई। एसडीएम ने मुकदमा लिखा, गांव सभा की जमीन पर गरीबों को मकान बनवा दिए। कहा ये कानून नहीं कहता कि आप अपने से ले लो, हम कहा आपका कानून नहीं देता तो हमको अपने से लेना होगा। हम लोगों ने मकान बना लिया, आप उसमें रह रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। अब हम अपने बीच में सब बोलेंगे नारा, नौकर साहो से आजादी, नौकर। आज मोदी देश भर में ये ठिकाना पीट रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे। विश्व गुरु क्या यही था, रामराज में क्या यही था कि लोग भूखे रहते थे, नंगे रहते थे, अशिक्षित रहते थे और बोल नहीं पाते थे, यही रामराज था। आज किस तरह से रामराज बताना चाहते हैं, वो रामराज के खिलाफ हम लोग खड़े हो गए हैं, वो रामराज नहीं चाहिए हमको। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला इलाहाबाद का महासचिव हूँ। हमारी पार्टी किसान मजदूर मेहनतकश बेरोजगार बंधुआ मजदूर, इतना ही नहीं अपने इलाके में पहाड़ तोड़ने वाले मजदूर को ब्याज का पैसा थाने में जमींदार को लाकर कोठा तक फड़वा दिया कि इसको आज से फाड़ दो, अन्य तुम्हारी गिट्टी नहीं टूटेगी, अन्य तुम्हारा कोई काम करेगा। हम लोगों ने इस तरह से काम किया है, सारे पैसे मुक्त कराए हैं, जमीन मुक्त कराए हैं और राह चवाह करने वालों को रोका गया है। इस तरह से अगर आप भेदभाव खत्म करना है तो उन गरीबों तक पहुँचाइए, उन गरीबों में विश्वास लीजिए, जैसे आज शहर में भी है तबेला चल रहे हैं, गूंगे अंधे बारे लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, मारे पीटे जाते हैं, उनके घरों में घुस के जाके देख लीजिए कि कैसे लोग हम क्या जो काम करते हैं किस तरह से जी रहे हैं। अगर उनको आज़ाद कराकर इस जगह पे लाके दिखाएंगे तब ये कहना होगा कि मोदी जी ये आज़ादी है, इस आज़ादी को पाने के लिए हम सबको इकट्ठा करना होगा, तब ये कुछ ना कुछ इकट्ठा करना होगा।